हेलो एवरीवन, आई एम मंदी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हमारे बच्चे 5-6 मंथ्स के होते हैं तो पीडियाट्रिशियन हमें एडवाइस करते हैं सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेमी सॉलिड फूड मतलब जो ना कि कम्प्लीटली लिक्विड है और ना ही सॉलिड। वैसे तो बच्चे के 1 ईयर की एज तक ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे का मेन न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, लेकिन अगर हम WHO के रिकमेंडेशन पे जाएं तो वो कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो मैंने चूज किया एप्पल प्यूरी को एज अ फर्स्ट फूड ऑफ माय बेबी। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि एप्पल इजीली अवेलेबल है और एप्पल प्यूरी को बनाना बहुत ही इजी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल प्यूरी को कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलहाल इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो मैं मार्केट में जाके कोई भी फैंसी चीज नहीं लेके आ सकती थी। तो मैंने घर में ही जो कुकर, स्पून, कटोरी जो भी मुझे मिला, मैंने उन्हीं की हेल्प से ये वीडियो बनाया है। वैसे तो आजकल मार्केट में रेडी टू ईट फ्रूट प्यूरीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं देना चाहती। और मार्केट में जो भी रेडी टू ईट फूड अवेलेबल है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, और अपने हाथ से घर में बनाई हुई चीज का तो मजा ही कुछ और है। और जैसा कि हम सब ने सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने चूज किया एप्पल को क्योंकि एप्पल प्यूरी बेबीज के लिए एक तो इजी टू डाइजेस्ट होती है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। और जैसा कि आजकल डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 1 साल की एज तक बच्चे को हमें शुगर और सॉल्ट नहीं देना है, तो एप्पल ऑलरेडी स्वीट होता है तो बच्चा उसको इजीली खा भी लेता है, और इसके अंदर हमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर डालने की या स्वीटनर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्पल प्यूरी बनाने का प्रोसेस। बच्चे का खाना बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छे से साबुन से वॉश करेंगे, और जो भी बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज करेंगे उन्हें भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो एप्पल प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एप्पल लेंगे और इसे अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इस एप्पल को पील कर लेंगे। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए हमें इसके छिलके की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम एप्पल को अच्छे से छील लेंगे। अब इस छिले हुए एप्पल के हम छोटे छोटे स्लाइसेस कर देंगे। इन स्लाइसेस में से हम इसके सीड्स को भी निकाल देंगे। अब इस एप्पल के हम छोटे छोटे क्यूब्स काट देंगे। जब भी कोई फ्रूट आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि उस फ्रूट को आप हमेशा पहले टेस्ट कर लीजिए। यूजुअली एप्पल खट्टा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका कैसा फ्लेवर है आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गए छोटे छोटे क्यूब्स। अब हम इन क्यूब्स को आधा ग्लास पानी में डाल देंगे। जो पानी मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने पहले से बॉइल किया हुआ था। पानी लगभग इतना यूज करना है जिसके अंदर एप्पल के स्लाइसेस लगभग आधे डूब जाएं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पर गैस पर रखेंगे, या फिर आप इसके ऊपर एक सीटी भी दिला सकते हैं जो पहले आ जाए। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। एक स्पून की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एप्पल पक चुका है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पून से इजीली मैश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एप्पल बनके तैयार है। अब इस एप्पल को हम एक कटोरी में शिफ्ट कर लेते हैं। एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी आप एप्पल प्यूरी को बनाएं उसको ज्यादा देर तक ना रखें और बच्चे को खिला दें, क्योंकि एप्पल पड़ा पड़ा काला होना शुरू हो जाता है। अब एक स्पून की हेल्प से हम इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा फूड का टेक्सचर भी पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको स्पून की हेल्प से ही मैश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि एप्पल अच्छे से पका हुआ है, तो ये स्पून की हेल्प से इजीली मैश भी हो रहा है। इसकी मैशिंग ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर हम बचा हुआ पानी जिसके अंदर हमने एप्पल को बॉईल किया था वो भी डाल लेंगे। और इसको अच्छे से हम एप्पल के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि एप्पल प्यूरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली थिक हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी फॉर 6 months ओल्ड चाइल्ड। तो ये था एप्पल प्यूरी बनाने का प्रोसेस। मेरे बेबी को एप्पल प्यूरी बहुत ही पसंद है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सजेशन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।